बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेयरों ने दूसरे T20 मुकाबले में रचा इतिहास। दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान आया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। जैसा कि भारतीय टीम ने पहला T20 का मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीता और बांग्ला टीम पहला T20 का मुकाबला हारने के बाद काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी और दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का अपना जोर लगा रही थी। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को देखेंगे तो शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के तूफानी से तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कोई 13 तो कोई 21 तो कोई 9 पर आउट हो चुका था। भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी और दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने इतनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते विलख से नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रख दिया। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला और अभिषेक शर्मा ने भी शतकीय पारी खेल डाली। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दे दिया। बांग्लादेश की टीम गेंदबाजी लेकर के काफी ज्यादा खुश हुई और खुशी से उछलने लगी। शायद उन्हें लगा कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज को 14 या 3-4 रन पर क्लीन बोल्ड कर देंगे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का सपना सपना ही रह गया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग में घातक विस्फोटक दो शेर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से सबसे खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज पहला ओवर लेकर गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए गए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, दोनों ओपनर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। यशस्वी जायसवाल तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। शुभमन गिल ने 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से दूसरे ओवर में 14 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर 1 चौका ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी 110 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक सुमन गिल को दे दी। सुमन गिल ने तीसरे ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पर 2 चौके फिर ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर यहां पर 32 रन ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें दोस्तों, सुमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने चौथे ओवर की पहली बॉल पर 1 चौका ठोक दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया जहां पर स्ट्राइक सुमन गिल के हाथों में पहुंच गए और सुमन गिल ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। सुमन गिल ने चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर 2 कवर ड्राइव की ओर यहां पर रन ले लिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सुमन गिल ने चौथे ओवर की 6ठी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। सुमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया जहां पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दी और यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर 2 यहां पर दौड़कर रन ले लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर की 4थी, 5वीं और 6ठी बॉल पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल
गिल की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसी आंधी को कैसे रोका जाए। लेकिन भारतीय टीम को छठे ओवर की पहली बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया जब शुभमन गिल जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर 48 रन ठोक करके 48 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए अभिषेक शर्मा। काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी विस्फोटक बल्ले से मैदान पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और अभिषेक शर्मा काफ़ी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धोरे। लेकिन दोस्तों, 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 52 रन ठोक करके आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ आए। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुका है और IPL में CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान भी रह चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 10वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका लिया और 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर यहां पर दौड़कर एक रन लिया जहां पर स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 10वें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ 10वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आए यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज 11वें ओवर की पहली बॉल पर यहां पर आप सभी को बता दें अभिषेक शर्मा को लेकर के काफी बड़ा झटका लगा जब 56 रन ठोक करके अभिषेक शर्मा आउट हुए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज यहां पर सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 10वें ओवर की बची 4 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। लेकिन ऋषभ पंत ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों, यहां पर ऋषभ पंत तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी तो कर रहे थे लेकिन उनके बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। लेकिन 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर ये 28 रन ठोकर के कैच आउट का सामना कर बैठे। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जब आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक और सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। 13वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। दोस्तों, सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी देखकर गौतम गंभीर, कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित, विराट के भी पसीने छूट गए। लेकिन 14वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या यहां पर 48 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रिंकू सिंह जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं जो काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। भारतीय टीम के भले चाहे दिग्गज से दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज क्यों ना आउट हो गए हों, अगर रिंकू सिंह पिच पर है और पिच पर अभी टिका है तो समझ लीजिए कि रिंकू सिंह अकेले मैच को जिताने की क्षमता रखता है। रिंकू सिंह 14वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जिया उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव जैसे तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेरों का सामना करे तो करे कैसे। रिंकू और सूर्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। रिंकू और सूर्य कुमार यादव की आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी देकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के
रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को ले रहा था और काफी घातक विस्फोटक तरीके से 15वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया, 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी और 15वें ओवर की चौथी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया जहां पर स्ट्राइक सूर्या के हाथ में चली गई। 15वें ओवर की बची दो गेंदों पर यानी कि पांचवीं छठी दो बॉल पर लगातार दो गेंद चूमती छक्के सूर्य कुमार यादव ने कवर ड्राइव की ओर 110 मीटर लॉन्ग ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी की। यहां पर क्रिकेट जगत के फैंस चाहने वाले काफी ज्यादा उछल रहे थे क्योंकि रिंकू और सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे क्योंकि सीरीज में बराबरी पाने के लिए बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। तो वहीं हमारे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर कहर बरसा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज कांप उठे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्या और रिंकू का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगन चुंबती 6 छक्के ठोक करके युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर खत्म कर दिया। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। रिंकू और सूर्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान कांप उठे। दोस्तों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके यहां पर सूर्या ने ठोक दिए। सूर्या और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। तो वहीं 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की ओर चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्के की मदद से रिंकू सिंह ने 14 रन ठोक दिए। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 20वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां पर बांग्लादेश की टीम जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और दूसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए उतरी तो काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून में उतावली दिख रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहला ओवर लेकर गए रवि बिश्नोई ने 4 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर गए हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 6 रन दिए, तीसरा ओवर लेकर गए कुलदीप यादव जहां पर 8 रन दे दिए, चौथा ओवर लेकर गए मोहम्मद सिराज ने यहां पर 1 विकेट चटका दिया और यहां पर सिर्फ 4 रन दिए। वहीं आवेश खान जब गए यहां पर 7वां ओवर लेकर गए तो आवेश खान ने भी यहां पर 14 रन दे दिए और लेकिन 1 विकेट आवेश खान ने भी चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी ताबड़तोड़ गेंदबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे 9वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम ने 4 विकेट हासिल कर लिए। बांग्लादेश की टीम के 4 खूंखार विस्फोटक बल्लेबाजों को धूल चटा दी, लेकिन बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे आ गए जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसे थे जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। उनकी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। बांग्लादेश के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जो रुकने नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम दूसरा टी20 का मुकाबला हार जाएगी और सीरीज में बांग्लादेश के खिलाड़ी और कप्तान बराबरी पालेंगे, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने यहां पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से कमाल किया। लेकिन वहीं पर फिर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसने 12वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए, 13वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए और यहां पर 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट ले लिया, जहां पर बांग्लादेश की हेकड़ी निकाल के रख दी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा फुदक रहे थे। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट हर्षदीप सिंह ने चटका दिए और पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को यहां पर 20वें ओवर तक जाते जाते ढेर कर दिया और हमारी भारतीय टीम ने यह दूसरा टी20 का वार्म मुकाबला जीत लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।